दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जनसंपर्क अभियान लॉन्च किया। केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के नाम लिखी चिट्ठी, दिल्ली वालों के काम रोकने के लिए मुझे गिरफ्तार किया गया। बीजेपी की साजिशों का जवाब वोट की ताकत से देंगे। दिल्ली के कामों को और आपको मिल रही सुविधाओं को अब केवल आप अपने वोट की ताकत से बचा सकते हो। मुझे भरोसा है कि हम सब मिलकर बीजेपी के काम रोकने के हर षड्यंत्र को आगामी विधानसभा चुनाव में वोट की ताकत से हराएंगे। मुझे विश्वास है कि दिल्ली में सभी कामों को जारी रखने के लिए आप आम आदमी पार्टी की सरकार फिर बनाएंगे और आपके वोट के समर्थन से मैं फिर से मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालूंगा और पहले की तरह आपके सारे काम करवाऊंगा। ये चिट्ठी लेके अपने को घर घर जाना है। ये जनसंपर्क अभियान है जिसको आज से शुरू कर रहे हैं। एक एक कार्यकर्ता को मेरे लिए नहीं करना, अपनी दिल्ली बचाने के लिए करना है। और दिल्ली ने पूरे देश को एक उम्मीद दी है। ये जो काम हमने किए हैं, अस्पतालों के, स्कूलों के, बिजली के, पानी के, सड़कों के, तीर्थयात्रा के, महिलाओं की यात्रा के, फरिश्ते स्कीम, ये काम किसी ने सोचा ही नहीं था, किसी पार्टी ने किया ही नहीं था और ना इनके करने की कोई मंशा है। ये काम रुकने नहीं चाहिए। तो जो जो लोग देश के लिए सोचते हैं, दिल्ली के लिए सोचते हैं, वो सारे इसमें लगेंगे। इसलिए नहीं लगेंगे कि मैंने कहा, इसलिए लगेंगे कि अपनी दिल्ली की और अपने देश की चिंता है। तो सब लोगों को अगले 10 दिन तक 15 दिन तक खूब मेहनत के साथ इस कार्यक्रम के अंदर हिस्सा लेना है, घर घर जाना है और जनता को बताना है कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, इनकी गिरफ्तारी का सच क्या है।